हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत बड़ी वीडियो नहीं लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए। छोटी सी वीडियो है, आप देख लेना कितने डिज़ाइन हैं यहाँ पे। देखिए, ये मैंने एक 2D स्ट्रक्चर बनाया था एक बच्चे का और मदर का, क्योंकि दोनों का साथ में बर्थडे था। 1/2 kg का ये केक है। ये रेड कलर का जो केक आप देख रहे हैं, ये कसाटा फ्लेवर है, बिल्कुल प्योर एकदम रेड बनाया है ऊपर से बादाम वगैरह लगा के। ये मैंने रसमलाई बनाया है और इस पे लगा दी हैं पियोनी फ्लावर्स। ये सब आर्टिफिशियल फ्लावर हैं। ये रेड कलर का ये भी कसाटा है और ये है वाइट फॉरेस्ट, और इस पे चेरी की जगह मैंने करौंदा चेरी लगाई है, और ये है ब्लूबेरी, इसको मैंने बिल्कुल ब्लू कर दिया है। ये सारे जो डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने काउंटर के लिए बनाए हैं। और क्यों बनाए हैं ये भी मैं बता देता हूँ। और ये है हमारा मैंगो, एक सिंपल सा केक आपको दिख रहा होगा जैसा नॉर्मली शॉप में मिलता है। ये है वनीला चोको चिप केक, ठीक है। ये सारे जो डिज़ाइन है ये मैंने अपने काउंटर के लिए बनाए हैं। ये जो डिज़ाइनर केक था फोटो वाला, इसको छोड़ के, मतलब जिस पे मैंने 2D स्ट्रक्चर बनाया है, ये सारे नए डिज़ाइन मैंने क्यों बनाए हैं, क्योंकि हमने जब अपनी शॉप स्टार्ट की तो हमने भी नॉर्मल फ्लेवर्स रखे थे और नॉर्मल जैसे केक चलते वैसे ही रखे थे। लेकिन क्या हुआ, फिर कस्टमर को कुछ नया नहीं मिल रहा था। इसी चक्कर में मैंने सोचा कुछ नया कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। वाइट वनीला ग्लेज में रेड कलर मिलाया है, ब्लू कलर मिलाया है, उससे देखो एकदम सुपर शाइनी आपके केक तैयार हो गए हैं काउंटर में रखने के लिए। अगर वैसे सेल भी करने हैं तो आप वैसे भी कर सकते हो। इस केक को मैंने अभी फिनिश नहीं किया, बॉर्डर वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन अब आपके सामने 8 केक रखे हुए हैं और 3-4 केक अंदर फ्रिज में भी रखे हुए हैं, वो अभी फिनिश नहीं हुए थे। तो मैंने सोचा ये वाला डिज़ाइन आपके काम के रहेंगे। तो फ्लेवर्स कितने हो गए, रसमलाई, कसाटा, वनीला, चोको चिप। तो अगर आपको काउंटर में केक बेचने हैं तो कुछ अजीब से नाम रखने पड़ते हैं, कुछ मिक्स, कुछ कॉम्बिनेशन के नाम रखो जो मार्केट में ना मिले। इसलिए मैंने मैंगो एक सिंपल बनाया, बाकी कसाटा आलमंड के साथ, कसाटा काजू के साथ, रसमलाई, ऐसे मतलब फ्लेवर बनाए, वनीला, चोको चिप, ब्लूबेरी, ये नॉर्मली काउंटर्स पे नहीं मिलते हैं। तो ये 2D स्ट्रक्चर बनाने में मेरी हालत तो बहुत ख़राब हुई थी, बट मैंने इसलिए ले लिया था ऑर्डर ताकि मैं भी बनाना सीख सकूं। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लेना, और ये डिज़ाइन आप कॉपी कर सकते हो, अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। तो थैंक यू वेरी मच, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करते रहिए। थैंक यू।